चंपी करने के बाद और हाथ में झाड़ू लिए हुए सीरियसली सफाई करने वाली ही लग रही हूँ। ये देखिए ये दांत दिखा रहे हैं भाई हनुमान दादा, ऐसे मत करिए। गाइज गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। ओके तो इतनी ज़्यादा मॉर्निंग में तो मैं आज उठ नहीं गई हूँ, बट फिर भी मैं कितना भी लेट उठूँ मुझे थोड़ा बहुत योगा करना ही पड़ता है। सो लेट्स गो। केरिया खाने की बहुत बड़ी बड़ी सजाएं मिल रही है आजकल, मेरे को पूरा फेस ही भर गया है ऐसा लग रहा है, पता नहीं। बट अब तो कुछ ही दिन बची है तो टेंशन नहीं लूंगी, सिर्फ खाऊंगी, बाद में देखेंगे क्या करते हैं। देखिए ये यहाँ बैठे हैं, एक और आए, पहले ऊपर ऊपर चलते थे, अब इन्होंने यहाँ नीचे ही रास्ता बना लिया है। गाइस सो आफ्टर ब्रेकफास्ट मैंने और मम्मी ने बहुत ही अमेजिंग चंपी की है बालों में, आप देख सकते हो इसका ऑयल पूरा मेरे फेस तक आ गया है, इतनी ज़्यादा खतरनाक वाली चंपी की है मैंने। सो ये तो निपट गया, बट एज़ यू नो कि मेरा दिन एक चीज़ के बिना स्टार्ट नहीं होता है, और वो है गेस गेस। ओके मैं बता ही देती हूँ, वैसे बहुत सारे लोगों ने गेस कर ही लिया होगा। सो इसको खा के मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है, बट मेरे दिन की शुरुआत नाश्ते से होती है नॉर्मली तो, बट नाश्ता करके जब तक मैं ये नहीं खाती ना तब तक मेरे दिन की शुरुआत होती नहीं है। आई डोंट नो केरी का सीज़न चला जाएगा उसके बाद मेरा क्या होने वाला है, बट तब का तब देखेंगे, अभी तो खाते हैं। तो केरी तो मैं खा चुकी, लेकिन अब बारी है सफाई करने की। एक्चुअली मैं अभी ये जो चंपी करने के बाद और हाथ में झाड़ू लिए हुए सीरियसली सफाई करने वाली लग रही हूँ। कोई ना, घर की सफाई करनी तो बनती है। तो थोड़ी सी सफाई नहाने से पहले कर लेती हूँ, जस्ट बिकॉज नहा के हमारे पास बहुत ज़्यादा काम है आज। आज हम बनाने वाले हैं घर पर पापड़, सोच तो रहे हैं बट मौसम क्या करने वाला है पता नहीं, बट या थोड़ा सा कुछ रेडी तो करना पड़ेगा, राइट? तो लेट्स डू इट। 2000 years later। सो गाइस घर की सफाई के बाद मैंने अपनी और अपने बारों की भी काफ़ी अच्छे से सफाई कर दी है, लेकिन अभी खाना बाकी है। खाना खाने के बाद आई थिंक हम पापड़ बनाना स्टार्ट कर देंगे। मौसम मैं आपको बता देती हूँ किस टाइप का हो रहा है, और मैंने अभी पूजा भी कर ली है नहा के। सो गाइस मौसम साफ है, थोड़ी बहुत धूप ही है, आई मीन आती जाती रहती है, सो चलेगा अगर आज हम पापड़ बना दें। सो गाइस ये है पापड़ का आटा, और ये वाला मिर्ची का पानी है, और उससे कुछ आटा बनना पड़ जाए। तो अब इसको ऐसे कूटना पड़ता है, जितना इसको ज़्यादा कूटते हैं आई थिंक उतने पापड़ अच्छे बनते हैं ऐसा बोलते हैं, बट ये इतना ही हमने इसलिए बांधा है बिकॉज ये ट्रायल है मसाले का। ये जो हमने इसमें जो नाप या माप व्हाटएवर जो भी लिया है, अगर वो सही जाएगा तो फिर आगे का आटा बांधेंगे, फिर बहुत सारे पापड़ बनाने हैं। तो सब कुछ रेडी है, यहाँ पर मम्मी ने बेलना भी स्टार्ट किया है। अगेन ये सिर्फ ट्रायल बेसिस है,
आगे बहुत ज़्यादा तामझाम बाकी है, लेकिन मम्मी के बाद एक कोशिश मैं भी करूँगी। क्या है? ये मैंने बनाया है, थोड़ा सा और आगे पीछे किया होता तो डेफिनेटली ये हमारे इंडिया का मैप बन गया होता। क्या बनाया है आई डोंट नो, पर बनाया है। अभी तो ये यहाँ से भी मोटा है। सो गाइस, ट्रायल हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये सब हो गया है, लेट्स सी। अभी इसको सूखने देंगे, उसके बाद हम इसको सेक के खाएंगे और टेस्ट करेंगे कि क्या है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो गाइस, ट्रायल के बाद ये बहुत सारे पापड़ बनाने का प्रोसेस स्टार्ट कर चुके हैं हम। ये इतने लाल वाली मिर्ची के पापड़ बनाए, इसको मैं काटूंगी। हाय राम, आजकल इनका आतंक बढ़ता ही जा रहा है। ये यहाँ तक आ गए और मैं वहीं बैठी थी और पीछे मुड़ के देख रही हूँ कि ये क्या हो रहा है। ये देखिए, ये दांत दिखा रहे हैं। भाई हनुमान दादा, ऐसे मत करिए। ये एक्चुअली ये केरी खाने आए हैं। ओह माय गॉड, ये अब यहाँ आ गए। ये केरियों के छिलके हमने डाल रखे हैं, वो खाने आए हैं और पीछे से पचक पचक की आवाज़ आई। मैं देख रही हूँ ये क्या हो रहा है। अचानक देखा तो भाई मेरी हार्ट बीट जो थी, ओ माय गॉड, मतलब अभी ऐसे बारिश टूट पड़ेगी, ऐसी हालत हो गई है। लेट्स सी क्या होने वाला है। डन डना डन डन, बहुत ही ज़्यादा तेज हवा के साथ कैमरा उतना कैप्चर नहीं कर पा रहा है जितनी मेरी आंखें कर पा रही है। बट बहुत ही ज़्यादा तूफानी बारिश है ये, फिर भी वहाँ पर दिया चल रहा है। ये देखो, बट बहुत ज़्यादा हवा है, बारिश कहाँ कहाँ जा रही है यही नहीं पता। और बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है, जबकि इतना अंधेरा होने का अभी टाइम है नहीं। पापड़ बना बना के हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। आई नो मैं अभी बहुत ज़्यादा ग्लो मार रही हूँ, बिकॉज मैं अभी तुरंत फेस वॉश करके आई हूँ बहुत अच्छी तरीके से। क्योंकि अगर आप लोग थोड़ी देर पहले मेरे को देखते तो सीरियसली डर जाते, ऐसी कंडीशन हो गई थी। मैं पापड़ बना के थोड़ा रेस्ट किया और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा फेस का अच्छा कुछ किया जाए, तो फेस पे मैंने थोड़ा स्क्रब करके वॉश किया है। तो या मैं कितना क्यूट लग रहा हूँ, क्यूट तो ठीक है बट ग्लो ज़रूर मार रहा हूँ मैं। ओके, तो मौसम में अभी काफ़ी कुछ चेंजेस आए हैं, लेट मी शो यू गाइस। उन काले काले बादलों और बहुत ज़्यादा भारी बारिश के बाद इतनी सुनहरी शाम हुई है, बहुत ही ज़्यादा एकदम मस्त लग रहा है। तो मैं स्पेशली ये वाला सीन लेने के लिए घर से बहुत दूर आई हुई हूँ। वाओ, एकदम सोने सा लग रहा है ये, लिटरली ये सोना सोना लग रहा है।